चरण में आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस आज मैं बताऊंगी आप लोगों को कि यदि आपको ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखती है तो उसका क्या मीनिंग है, आपको ये बटरफ्लाई बार बार क्यों दिख रही है। कुछ लोग जो काला कलर है उसको देख के घबरा जाते हैं, अगर काला दिख रहा है तो कुछ अपशगुन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो पॉजिटिव रहिए और जो मैं आपको बता रही हूँ वो बातें ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो इसका ये मीनिंग होता है आपकी लाइफ में कुछ चेंज होने जा रहा है यदि आपको बटरफ्लाई ब्लैक कलर की बार बार दिख रही है। इसका साइन ही ये है। आपको दूसरा साइन इसका ये है कि आप काफ़ी निगेटिव हो रहे हैं, बहुत निगेटिव हो रहे हैं आप, जिसको जो निगेटिविटी की जड़ है उसको ख़त्म करना है, जिस कारण से आपको निगेटिविटी हो रही है उसको ख़त्म करना है। आपको अपने पे इनर वर्क करने की ज़रूरत है, राइट। अपने अंदर देखिए, आप पॉजिटिविटी तो सारी देख रहे हैं बट आप जो अपने अंदर, आपके अंदर निगेटिविटी भरी हुई है जिसके कारण आपको बार बार एंजाइटी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको इनर वर्क करने का समय आपके ऊपर आ गया है। तो आप अपने अंदर झांकिए, आप क्यों चिढ़ रहे हैं, आपको क्यों गुस्सा आ रहा, उस पर आपको काम करना है, यानी आपके अंदर जो डार्क साइड है, जो निगेटिविटी है उसको ख़त्म करना है। एक ये भी वजह हो सकती है, एक ये भी वजह हो सकती है, यूनिवर्स आपको ब्लैक बटरफ्लाई इसीलिए दिखा रहा है कि समय आ गया है आपको अपने अंदर झांकने का। आप अपनी लाइफ में कुछ हो सकता है टॉक्सिक चीज़ें होती हैं उन्हें लेके चल रहे हो, कुछ रिलेशन्स ऐसे हो सकते हैं, उससे बाहर निकलने का, उसे छोड़ने का, उस रिलेशन को छोड़ने का समय आ गया है। ये भी एक सिग्नल हो सकता है यूनिवर्स जो आपसे कहना चाहते हैं। देखिए जनरल रीडिंग है, जनरल बातें हैं, आप लोगों से जो रेजुनेट हो, मैं हमेशा बोलती हूँ उसे ही ध्यान रखिएगा। हो सकता है किसी के लाइफ में जनरल ऐसे टॉक्सिक रिलेशन ना हो, वो खुद ही इतना ज़्यादा निगेटिव हो, खुद ही अपने अंदर उसने इतनी टॉक्सिसिटी भरी हुई हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो आपको अपने अंदर इनर वर्क करने की ज़रूरत है। आपको यदि कोई रिलेशनशिप आपका ऐसा है उससे बाहर आने की ज़रूरत है। ये आपको जो ब्लैक बटरफ्लाई दिख रही हैं ये तभी दिखती हैं जब आपको यूनिवर्स की साइड से सिग्नल दिया जाता है कि आपके अंदर, आपके ऊपर, आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप, अब कुछ लोगों के लिए ये भी कह सकते हैं कि उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने जा रही है, यानी जो भी पहले प्रॉब्लम्स हो रही थी आपके संग, बार बार एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा था आपकी लाइफ में, एक ही तरह की प्रॉब्लम्स बार बार आ रही थी, वो ख़त्म करने का समय आ गया है। ख़त्म कैसे होगी, आप अपने अंदर, आपको ही अपने अंदर इनर वर्क करना है, अपने को हील करना है, वो समय आपका आ गया है जब आप अपने को हील करिए। यदि ब्लैक बटरफ्लाई आपको दिखती है तो इसका मतलब ये भी होता है कि लाइफ में जो आपकी परेशानियां अभी तक चल रही थी ख़त्म होने वाली है, एंड आ गया है, न्यू बिगनिंग आ गई है, ब्यूटीफुल लाइफ होने का समय आ गया है आपका। ये भी हो सकता है लाइफ, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ आप चाह रहे थे, काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे, तो वो चीज़ पाने का समय आ गया है, निगेटिविटी ख़त्म करने का समय आ गया है। ये भी कह सकते हैं यहाँ आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ पूरी तरह चेंज होने जा रही है, पूरी तरह आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। ये भी आप कह सकते हैं आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है पॉजिटिव, ये यूनिवर्स की साइड से सिग्नल दिया जा रहा है आपको ब्लैक बटरफ्लाई दिखा के कि अपने अंदर इनर वर्क करिए, निगेटिविटी जो अपने अंदर की है वो हटाइए, अपने इनर वर्क आपको करना बहुत ज़रूरी है जिसके कारण ये जो चीज़ें आपकी रुकी हुई हैं आपकी लाइफ में आए। इसका यही मतलब है गाइज, ये बहुत पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिविटी
ही की तरह ही इसको लीजिएगा, निगेटिव बिल्कुल इन चीज़ों को लेके मत सोचिएगा। और ये जो साइन है यूनिवर्स बहुत क्लियर दे रहे हैं, वो हो सकता है आपको कुछ ऐसा गिफ्ट देने वाले हो जो आपने कल्पना नहीं करी होगी, सोचा नहीं होगा, लेकिन वो गिफ्ट रुक रहा है ओनली वन रीज़न कि आपके अंदर इनर वर्क की ज़रूरत है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखिए गाइस और अपने अंदर इनर वर्क करिए, जो कि आपको अगर ब्लैक कलर की जो बटरफ्लाई दिख रही है उसलिए। आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।